राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए सरकार ने दिल्ली में सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। दिल्ली में डीडीएमए की बैठक में कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर चिंता जताई गई है। डीडीएमए की नई गाइडलाइंस के मुताबिक राजधानी में रेस्टोरेंट और बार को बंद कर दिया गया है। रेस्टोरेंट से केवल टेक अवे और होम डिलीवरी की सुविधा जारी रहेगी। दिल्ली के प्राइवेट दफ्तरों को भी बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, यानी कि दिल्ली के सब निजी दफ्तर के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। दरअसल बीते दिनों प्राइवेट दफ्तरों में 50% ही कर्मचारियों की आने की अनुमति थी। क्लब, रेस्टोरेंट और पब में भी 50% लोग आ सकते थे, लेकिन राजधानी में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है, जिसके बाद डीडीएमए ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें कहा गया जो प्राइवेट दफ्तर है उनको बंद करने के आदेश दे दिए हैं और सभी कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। और दूसरी तरफ जो तमाम रेस्टोरेंट जो क्लब है इसको भी बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं और सिर्फ रेस्टोरेंट से डिलीवरी और टेक अवे की सुविधा ही जारी रहेगी। कैमरा पर्सन सुरबीर के साथ साहिल भामरी, टोटल न्यूज़ दिल्ली।